Hello everyone, I Harmeet welcome you all on first day of DVS yani daily vocabulary session by digital Tyari. Chahe aap kisi bhi exam ki tayari kar rahe hain, SSC, bank, defense ya language exams ki tayari kar rahe hain, vocabulary ek bahut hi important role play karti hai chahe main kisi bhi exam ki baat karu, right? तो इस सेशन में हम लेंगे कुछ वर्ड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो या तो आपके प्रीवियस किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. तो देखिए, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो डेली अगर हम कुछ वर्ड्स सीखते हैं, कुछ वर्ड्स की हम प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो कुछ ही मंथ्स में हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी. तो यही हमारा मोटिव है इस सेशन को स्टार्ट करने का. ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, ये हम डेली आपके लिए लेकर आएंगे. तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक भी वीडियो मिस नहीं होने चाहिए, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा सेशन होने वाला है, इसमें हम कुछ वर्ड्स लेंगे, उस वर्ड्स के हम सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे, उसका एक सेंटेंस में यूज देखेंगे और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि वो जो वर्ड है वो हमारे सेंटेंस का के लिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. देखिए, वोकैबुलरी रटना, लर्न करना इज इजी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को वर्ड तो पता है, उसका मीनिंग भी पता है, लेकिन उनको ये ही नहीं पता कि ये जो वर्ड है क्या ये एक वर्ब है, एक क्रिया है, या फिर एक एडजेक्टिव है, ठीक है, या फिर एक नाउन है, एक क्वालिटी है, या एक पर्सन है, राइट? तो ये सारी चीजें भी साथ में आप सीखेंगे. सिर्फ वर्ड पे ही हमें फोकस नहीं करना, साथ में वर्ड को किस तरह से अप्लाई करना है, क्या ये एक वर्ब की तरह यूज होगा, या फिर हम अगर एडजेक्टिव है तो उसका वर्ब कैसे बन सकता है, एडजेक्टिव है तो उसका नाउन कैसे बन सकता है, इस तरह की भी हम बीच बीच में बात करेंगे. तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले आज की मोटिवेशन की बात करते हैं. तो आज की जो मोटिवेशन है आपके लिए वो है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट. अगर आप में करेज है किसी चीज को ड्रीम करने का, कोई गोल सेट करने का, आपने सोचा है ये एक्स वाई जेड एग्जाम है, मैं इसको क्रैक करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, राइट? तो अगर आप में वो करेज है किसी चीज को ड्रीम करने का, वो गोल आपने सेट किया है, तो उस गोल को अकम्प्लिश करने का, उस गोल को फुलफिल करने का भी जो करेज है वो आप में है और आप उसको कर सकते हैं, राइट? अगर एक पर्सन सोच रहा है कि मुझे आईएएस की तैयारी शुरू करनी चाहिए, मुझे आईएएस बनना है, वो उसका ड्रीम है, तो डेफिनेटली उस पर्सन में कैपेबिलिटी है कि वो आईएएस बन के दिखाएगा. अगर कोई पर्सन है वो सोच रहा है कि मुझे बैंकिंग जॉब करनी है, तो डेफिनेटली वो बैंकिंग जॉब करने के कैपेबल है और वो एग्जाम को क्लियर करके दिखाएगा, ठीक है? तो नो मैटर आपका ड्रीम क्या है, लेकिन अगर आप में गट्स हैं, आप में करेज है उसको ड्रीम करने का, तो आपको उस गोल को पूरा करने का भी, उस ड्रीम को फुलफिल करने का भी जो कैपेबिलिटी है वो आपके अंदर है, राइट? सो इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, राइट? तो चलिए आज का फर्स्ट वर्ड देखते हैं. तो फर्स्ट वर्ड है एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी ये वर्ड जो है ये बहुत बार एग्जाम में देखा गया है. और एम्बिग्विटी, मुझे बता सकते हैं ये क्या है? एक वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखिए, एम्बिग्विटी एक क्वालिटी है, ठीक है, एक क्वालिटी है किसी चीज की, किसी पैराग्राफ की, किसी वर्ड की, या फिर किसी पर्सन की. तो एम्बिग्विटी जब क्वालिटी है तो क्वालिटी किसमें आता है? किसी पर्सन की क्वालिटी बताना, उसको क्वालिफाई करना, तो एडजेक्टिव होता है. लेकिन ये खुद में क्या है? एक क्वालिटी है, तो ये क्या हो गया? एक नाउन है. क्या है? एक नाउन है. ये एम्बिग्विटी जो वर्ड है ये क्या है? एक नाउन है, एक क्वालिटी है, राइट? चलिए, तो एम्बिग्विटी का मतलब होता है अस्पष्टता, यानी कोई चीज जब क्लियर नहीं है, किसी चीज के एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं, कोई पर्सन जिसके थॉट्स जो हैं मिसमैच कर रहे हैं, वो बोल कुछ और रहा है, मतलब उसके चार निकल रहे हैं, तो उस पर्सन में क्या है? एम्बिग्विटी है. आप कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, उसमें कोई आर्टिकल है, आप उसको पढ़ रहे हैं लेकिन उसके 50 मतलब निकल रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्लियर नहीं है, तो यानी उस आर्टिकल में क्या है? एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विशियस है वो जो आर्टिकल, राइट?
तो एम्बिग्विटी का मतलब होता है अस्पष्टता, यानी कोई चीज जब क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, राइट। सिनोनिम इसके हो जाएंगे वेगनेस। वेगनेस देखिए, मैं बता चुकी हूं पहले भी, जो भी वर्ड हम यहाँ पर लेंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने नाउन लिया है, राइट, कोई भी नाउन लिया है, तो उसके जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम देखेंगे ना, वो भी नाउन ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड हमने वर्ब लिया है, तो जो उसके एंटोनिम सिनोनिम्स देखेंगे वो भी वर्ब फॉर्म में ही देखेंगे, राइट। तो वेगनेस क्या है, एक नाउन है, तो वेगनेस का मतलब होता है अगेन, जो बोलते ना धुंधला कह सकते हैं आप, जो क्लियर नहीं है एकदम। इक्विवोकेशन, ठीक है, इक्विवोकल वर्ड बहुत बार यूज हुआ है एग्जाम में। इक्विवोकल का पर्सन, इक्विवोकल का मतलब होता है वो पर्सन जो वो बात कर रहा है उसके कई मतलब निकल रहे हैं, एक बात नहीं कर रहा है, राइट, स्पष्ट नहीं है, तो इक्विवोकेशन अगेन अस्पष्टता होगा। तो एम्बिग्विटी, वेगनेस, अनक्लियरनेस, ठीक है, इक्विवोकेशन, ये क्या है, एक जैसे वर्ड है। इसके एंटोनिम देखते हैं एम्बिग्विटी के, तो हो जाएगा एक्सप्लिसिटनेस। एक्सप्लिसिट यानी कंप्लीटनेस, राइट, एकदम क्लियरनेस, कंप्लीट है कोई चीज, एक्सप्लिसिट है, सीधी सीधी बात की कही गई है, इसका एक ही मतलब निकल रहा है, तो एक्सप्लिसिट हो जाएगी वो चीज। तो एक्सप्लिसिटनेस होना किसी चीज में, यानी कोई चीज क्लियर होना। सेम थिंग ल्यूसिडिटी, कोई चीज ल्यूसिड है, ल्यूसिड मतलब कंप्लीट है, क्लियर है, साफ साफ है। ल्यूसिडिटी और एक्सप्लिसिटनेस का मतलब होता है जब कोई चीज क्लियर है, और जो चीज क्लियर नहीं है वो हो जाएगी एम्बिग्विटी। गॉट इट। चलिए इसका यूज देखते हैं। तो योर स्टेटमेंट हैज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी, आप जो कह रहे हैं, आपका जो कथन है, आपका जो स्टेटमेंट है, उसमें क्या है, बहुत सारी एम्बिग्विटी है, यानी अस्पष्टता है, आप जो कह रहे हैं उसका एक मतलब नहीं निकल रहा है, राइट। तो एम्बिग्विटी होना यानी अस्पष्टता होना, क्लियर ना होना कोई बात। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है, एकदम बहुत ही बैड कंडीशन में है, हिंदी में कहेंगे घिनौनी है बहुत ज्यादा, ठीक है, दिखने में या कह सकते हैं अपीयरेंस में बहुत ज्यादा गंदी है, ठीक है, घिनौनी कंडीशंस बोल सकते हैं, या घिनौना पर्सन बोल सकते हैं, एबोमिनेबल। अच्छा, इस वर्ड से रिलेटेड ना मुझे एक स्टोरी याद आती है कि मैंने ये फर्स्ट टाइम वर्ड कब सीखा था। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि वर्ड्स आप पॉसिबली नहीं है कि आप सारे वर्ड्स जो भी आप देखते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल एक बुक लेके आते हैं, डिक्शनरी लेके आते हैं, और उसमें से 2000 वर्ड्स हैं, तो आप बोलते हैं कि 2000 मैं लर्न कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। आज जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें कुछ भी वर्ड्स नहीं आते थे, जब हम बड़े हुए तो बहुत सारे वर्ड्स हमें आने लग गए, ठीक है। तो वो कैसे आए, जब हमने उन वर्ड्स को एक्सपीरियंस किया, राइट, जैसे मैंने कोई गंदी चीज देखी तो मैंने बैड वर्ड्स देखा, जब मैंने कोई चीज सुंदर देखी तो मैंने ब्यूटिफुल वर्ड सीखा, राइट, कोई चीज जब मुझे बहुत टेस्टी लगी तो मैंने टेस्टी डिलीशियस वर्ड सीखे, राइट। तो जब आप अपने डेली लाइफ में वर्ड्स को एक्सपीरियंस करते हो तभी आप उनको सीखते हो, राइट। सो जो भी वर्ड्स आप देखते हैं ना इंग्लिश में, कहीं भी, भले आप किसी मूवी में देख रहे हैं, किसी शो में देख रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर में देखते हैं, एकदम से उसको क्या कर लो, अपनी लाइफ में अडेप्ट कर लो, उसको यूज करो ज्यादा से ज्यादा। जैसे एबोमिनेबल वर्ड मैंने कहाँ देखा था, एक्चुअली मैं शेरलॉक होम्स का नाम सुना होगा आपने, डिटेक्टिव नहीं थे, मतलब उनकी बहुत सारी नॉवेल्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। तो उनका एक कह सकते हैं स्टोरी थी, और स्टोरी का नाम था द एबोमिनेबल ब्राइड, ठीक है। तो वहां पर मैंने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना था, और बहुत साल पहले की बात है, मैंने जल्दी से डिक्शनरी ढूंढी कि इसका वर्ड का मतलब क्या है। तो तब से मुझे याद है इसका मतलब होता है घिनौना। और कोइंसिडेंस ये था कि जब मैंने अपनी लाइफ का आई गेस सेकेंड या थर्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, तो वहां पर ये वर्ड यूज किया गया था, एक ऑप्शन में था, वहां पर लिखा था वेरी अनप्लीजेंट या फिर वेरी बैड कंडीशन, और उसका सिनोनिम पूछा गया था, तो उसमें एबोमिनेबल ऑप्शन में था। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो वर्ड्स है वो हम रट के लर्न करके नहीं सीख सकते, बल्कि जब हम डेली लाइफ में देखते हैं तो हम ज्यादा वर्ड सीखते हैं, राइट। तो कोई भी वर्ड आपको दिखता है अपने आसपास, तो आप कमेंट बॉक्स में भी वो डाल सकते हैं वर्ड कि आप, मैम ये वर्ड हमने देखा, आप हमें इसका मतलब बताइए या इसको डिटेल में समझाइए, तो डेफिनेटली वो भी हम आपके लिए करेंगे। तो अपने आसपास ना वर्ड्स ढूंढो कि कौन कौन से वर्ड्स मिल सकते हैं। तो वहां पर ये अबोमिनेबल ब्राइड करके एक स्टोरी थी, उसमें क्या था, एक लेडी थी, वो मर्डर्स करती थी, और वो बहुत ही ना ऐसे गंदी सी एक ब्राइड की ड्रेस पहन के करती थी, तो बहुत ही घिनौना सा उस पर ऐसे पूरा लाइक बहुत ग्रॉस सा लुक उस ब्राइड को, मतलब उस कैरेक्टर को दिया था।
तो तब से वो वर्ड था abominable bride. तो abominable का मतलब होता है बहुत ही घिनौना दिखने वाला या unpleasant बोल सकते हैं आप, right? So abominable. अच्छा ये वर्ड क्या है? किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, right? कि क्वालिटी क्या है कि वो चीज बहुत ज्यादा abominable है, घिनौनी है. तो डेफिनेटली ये देखते ही पता चल रहा है ये एक एडजेक्टिव है. क्या है? एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है. ओके, एबोमिनेबल. चलिए इसका ना ट्राई करते हैं, इसका नाउन बनाने का. एबोमिनेबल देखिए खुद से बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपको एक दो वर्ड्स का बता सकती हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में कोई नया वर्ड आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से उसका नाउन बनेगा, किस तरह से वर्ब बनेगा. तो चलो ट्राई करते हैं. जैसे एबोमिनेबल है, लास्ट वर्ड इसका क्या है? एबल. तो सिर्फ एबल को ले लेते हैं हम. एबल वर्ड है, एबल वर्ड का जो हमारा नाउन, क्योंकि एबल का मतलब एक एडजेक्टिव है, कोई काम करने में सक्षम होना, एबल होना. तो एबल का जो नाउन है वो कैसे बनेगा? एबिलिटी. कैसे बनेगा? एबिलिटी से. एबल है तो एबल का क्या हो गया? एबिलिटी, राइट? तो वैसे ही जब हमारे पास एबोमिनेबल है एज ए एडजेक्टिव, तो उसका हम नाउन कैसे बनाएंगे? एबोमिनेबिलिटी. तो एबोमिनेबिलिटी क्या हो गया? यानी घिनौनपनता कह सकते हैं हम, वो क्या हो गया? एक नाउन हो गया. तो एबोमिनेबल होना यानी कोई चीज घिनौनी होना, और उसकी क्वालिटी क्या है? कि उसमें एबोमिनेबिलिटी है, राइट? सो एबोमिनेबल का मतलब कोई चीज अब दिखने में बहुत बेकार है, अपीयरेंस उसकी बहुत खराब है, अनप्लीजेंट है, तो दैट वुड बी एबोमिनेबल. चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं. तो सिनोनिम्स, एक तो मैंने आपको बता दिया अनप्लीजेंट, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला, अगली आप कह सकते हो. उसके अलावा ऑबनॉक्शियस. ऑबनॉक्शियस यानी सेम इसका मतलब होता है घिनौना, बिल्कुल जिसमें से कहते हैं ना बहुत ही बदबूदार, बहुत ही गंदी कंडीशन में, दैट वुड बी ऑबनॉक्शियस. एक और वर्ड है डिटेस्टेबल. डिटेस्टेबल जो है ये बेसिकली ना खाने के लिए यूज होता है या रहने की कंडीशंस के लिए यूज होता है. तो कोई चीज डिटेस्टेबल है तो बिना किसी टेस्ट के, या फिर कह सकते हैं ना कि बिल्कुल ही बेकार कंडीशन में, राइट? सो एबोमिनेबल, ऑब्नॉक्शियस, अनप्लीजेंट, डिटेस्टेबल, ये सारे के सारे एक जैसे वर्ड हैं जिनका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गंदा, राइट? ऑलराइट देन, इसके एंटोनिम्स देखते हैं. अच्छा, एबोमिनेबल यानी घिनौना, तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? खुद से ही बनाइए. सबसे पहले तो लिखा हुआ एडमायरेबल. एडमायरेबल मतलब बहुत ही अच्छा लगने वाला. अलरिंग. अलरिंग का भी मतलब ब्यूटीफुल होता है. ब्यूटीफुल हो सकता है इसका, इसका प्लीजेंट हो सकता है, राइट? ब्यूटीफुल तो है ही इसका. एडमायरेबल, alluring, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे. चलिए इसका यूज देखते हैं. तो टेकिंग समवंस लाइफ, किसी की जान लेना, इज द मोस्ट abominable क्राइम. सबसे घिनौना गुनाह है, ठीक है? उसके अलावा एक और वर्ड बन सकता है कि प्रिजनर्स हैव टू लिव इन abominable conditions. जो प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, उनको कैसी लाइफ में रहना पड़ता है? बहुत ही abominable यानी बहुत ही घिनौनी conditions में रहना पड़ता है, right? चलिए तो abominable word हो गया, I hope याद रहेगा आपको. Next word easy है, enmity. Enmity का मतलब होता है शत्रुता. ये word किससे बना है? Enemy से. Enemy तो सुना होगा आप लोगों ने. Enemy मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, और enmity मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है? तो enmity क्या हो गया बताइए? तो एनिमिटी हो गया एक नाउन, राइट? एनिमिटी क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है? चलिए शत्रुता, कोई क्वालिटी बता रहे हैं. सिनोनिम्स देखते हैं इसके. तो ये एक तो हो जाएगा हॉस्टिलिटी. दो ग्रुप्स के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में जब हॉस्टिलिटी रहती है, यानी अच्छे टर्म्स नहीं है, शत्रु हैं, राइट? एनिमिटी आप मेनली ना डिफेंस रिलेशनशिप में, कि इस कंट्री से हमारी एनिमिटी है, ठीक है? एनिमिटी वाले रिलेशनशिप्स हैं. उसके अलावा एंटेगनिज्म. एंटेगनी वर्ड सुना है आपने, ये वाला यूज हुआ है बहुत ज्यादा एग्जाम में. एंटेगनिज्म का मतलब भी क्या होता है? शत्रुता, यानी रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होना, बिटर रिलेशनशिप्स हम कह सकते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट इसके हम देख लेते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं. तो एंटोनिम्स एक तो फ्रेंडशिप हो जाएगा, राइट? उसके अलावा एफिनिटी. एफिनिटी का भी मतलब होता है गुड रिलेशनशिप्स, फ्रेंडली, काइंड रिलेशनशिप्स हम कह सकते हैं, राइट?
सिंपैथी दिखाना, यानी किसी के लिए अच्छी फीलिंग रखना, किसी के लिए दया दिखाना इज सिंपैथी, राइट? सो एफिनिटी, राइट? उसके अलावा सिंपैथी, फ्रेंडशिप, राइट? ये सारे क्या हो जाएंगे? एनिमिटी के ऑपोजिट्स हो जाएंगे. यूज देखते हैं इसका कि एनिमिटी बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, इन दो ग्रुप्स के बीच में जो शत्रुता है, जो अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है इनके, इज द रीजन ऑफ अनरेस्ट इन द क्लासरूम, और यही कारण है कि क्लास में अशांति का. अनरेस्ट का मतलब होता है अशांति, ठीक है? तो क्लासरूम में अशांति का कारण क्या है? इन दो ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी होना, ठीक है? एनिमिटी यानी शत्रुता, अच्छे रिलेशनशिप नहीं. चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. तो नेक्स्ट वर्ड है फेरोशियस. फेरोशियस का मतलब होना जिस पर्सन में, अगर किसी पर्सन का बोल रहे हैं हम कि ये फेरोशियस है, तो यानी इस पर्सन के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, ठीक है? तो फेरोशियस, अच्छा देख के ही पता चल रहा है कि ये वर्ड क्या है, पीछे क्या यूज हुआ है. आई ओ यू एस होता है डिलिशियस, ठीक है? पॉम्पस, फेरोशियस, तो ये वर्ड क्या है बताइए? फेरोशियस है कोई चीज, तो क्या है? क्रूर होना. That is a ferocious person, right? तो ये क्या है? एक adjective है. Quality बता रहा है. अब भली quality negative है, लेकिन quality तो है ना. तो adjective है ये कौन? Ferocious. Ferocious का मतलब होता है क्रूर होना, जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं होती. उस person को हम बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं ferocious, right? Ferocious एक adjective है, ठीक है? इसका जो हमारा noun है वो कैसे बनेगा? Ferocity. क्या बोलेंगे? Ferocity. चलिए, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हो जाएंगे, एक तो है हमारा ब्रूटल. ब्रूटल यानी बिल्कुल भी दया नहीं करना, दया नहीं दिखाने वाला पर्सन. उसके अलावा एक और वर्ड है रैपेशियस. रैपेशियस का भी मतलब क्या होता है? क्रूर होना, जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं होती. तो रैपेशियस, ब्रूटल, ठीक है, फेरोशियस, ये सारे एक जैसे वर्ड है, ठीक है? चलिए एंटोनिम्स देखते हैं. तो एंटोनिम्स इसके हैं कंपैशनेट. कंपैशनेट यानी कंपनसेशन दिखाने वाला, किसी के लिए दया दिखाने वाला, किसी के लिए कह सकते हैं ना लव वाली फीलिंग रखने वाला इज कंपैशनेट, ठीक है? किसी पर्सन की बात करते हैं ना कि ही इज वेरी कंपैशनेट, यानी किसी और के लिए थोड़ी सिंपैथी रखता है, किसी के लिए थोड़ी काइंड फीलिंग रखता है, ठीक है? सिंपैथेटिक. सिंपैथेटिक का मतलब होता है किसी के लिए कुछ दया रखना, अच्छी फीलिंग रखना. एम्पैथेटिक का भी मतलब सेम होता है कि किसी और की प्लेस पर जाकर सोचना, ठीक है? तो कंपैशनेट, सिंपैथेटिक, ये सारे ऑपोजिट हो जाएंगे फेरोशियस, राइट? काइंड, ये सारे ऑपोजिट हो जाएंगे. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि देयर आर्मी वॉज लेड बाय अ फेरोशियस जनरल. उनकी जो आर्मी थी उनका लीडर कौन था? एक फेरोशियस यानी एकदम क्रूर, ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं है, वैसा जनरल लीडर था उनकी आर्मी का, ठीक है? लेड बाय, लेड हमारी सेकंड फॉर्म है लीड की, ठीक है? तो उनकी आर्मी का लीडर कौन था? एक फेरोशियस जनरल. कैसा जनरल? जो कि बिल्कुल क्रूर था, राइट? तो फेरोशियस का मतलब होता है क्रूर. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. तो नेक्स्ट वर्ड है ब्लैंडिश. ब्लैंडिश यानी चापलूसी करना, किसी की हाँ में हाँ मिलाना, या किसी को मीठी मीठी बातें कर कर अपना काम निकलवाना इज ब्लैंडिश. अच्छा ब्लैंडिश क्या है? ब्लैंडिश एक वर्ब है, क्योंकि कोई काम हो रहा है ना, इसमें चापलूसी हो रही है, तो ये भी एक क्रिया है एंड इट इज अ वर्ब, ठीक है? तो ब्लैंडिश करना यानी चापलूसी करना, गॉट इट? चलिए इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वीडल. वीडल का भी मतलब यही होता है कि अपनी किसी की तारीफ कर कर अपना काम निकलवाना, किसी के साथ मीठी मीठी बातें करना इज वीडलिंग, वीडल. एलरिंग, एलरिंग यानी किसी को बहलाना, फुसलाना, ठीक है, किसी की तारीफ करना इज एलरिंग, या फिर एलर. एलर करना यानी किसी की तारीफ करना. ब्लैंडिश, वीडल, एलर, ठीक है, ये सारे क्या एक जैसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब होता है चापलूसी करना, राइट? सो अच्छा ब्लैंडिश बेसिकली जो ये वर्ड यूज होता है, ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना, यहाँ पर ज्यादा होता है कि जब अपने बॉस की आप तारीफ करते हैं, उनके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, तो वो ब्लैंडिश कहलाता है, ठीक है? वहां पर आपको बहुत ज्यादा वर्ड मिलेगा. एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रेपेल करना, यानी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाना, उसको कुछ काम करने से रोकना, ठीक है? सेम विद द डिस्यूड. डिस्यूड का भी मतलब सेम होता है,
कि किसी की तारीफ नहीं करना बल्कि उसे कोई काम करने से रोकना इज डिस्यूट, ठीक है। तो रेपेल, डिस्यूट, ब्लैंडिश का क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं बट क्लोज ऑपोजिट है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि रमेश ट्राइड टू ब्लैंडिश हिज बॉस फॉर द प्रमोशन, कि रमेश क्या ट्राई कर रहा है, अपने बॉस को ब्लैंडिश कर रहा है यानी उसकी तारीफ कर रहा है, चापलूसी कर रहा है फॉर द प्रमोशन, प्रमोशन के लिए, एक रेज के लिए, राइट। तो ब्लैंडिश क्या है? चापलूसी करना, और ये एक वर्ब है। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एबलेज। एबलेज जो है इसका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन कहाँ रहता है वो मैं बताऊंगी कि एबलेज का मतलब होता है कोई चीज जब जल रही होती है, कोई चीज जलती हुई है, यानी एक तो होता है किसी चीज को जलाना, ठीक है, लेकिन कोई चीज ऑलरेडी जल रही है तो हम बोलेंगे दैट थिंग इज अब्लेज, द हाउस इज ऑन अब्लेज। तो अब्लेज क्या है? एक एडजेक्टिव है। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें कंफ्यूजन रखते हैं कि अब्लेज एक वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है। अब्लेजिंग नहीं होगा, नेवर अ वर्ड, एक एडजेक्टिव है, यानी कोई चीज जल रही है, आग लगी हुई है उसमें, तो हम बोलेंगे ही दैट थिंग इज अब्लेज, ठीक है। तो ये क्या है? क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया, राइट। चलिए इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फेरी। फेरी यानी एकदम धुआंधार जलना, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज, जो कहते हैं ना वायलेंट फायर, उसे हम कहेंगे फेरी। इग्नाइटेड, इग्नाइटेड यानी जलता हुआ। अच्छा, इग्नाइट को हम क्या कर सकते हैं? एक वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। इग्नाइट इज अ वर्ब, लेकिन अब्लेज एक वर्ब नहीं हो सकती, ठीक है। इग्नाइट, इग्नाइटेड यानी जलता हुआ, इग्नाइट यानी किसी चीज को जलाना, ठीक है। चलिए जी, तो फेरी, इग्नाइटेड, अब्लेज, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं, और इनका मतलब क्या होता है? जब कोई चीज जल रही हो, राइट। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे काम, यानी कोई चीज जल रही है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा ही इज काम, दैट थिंग इज काम, ठीक है। एस्टिंग्विश्ड, एस्टिंग्विश्ड यानी बुझी हुई, ठीक है। अच्छा, एस्टिंग्विशर्स होते हैं ना, फायर एस्टिंग्विशर्स, जो बहुत जगह बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में आप देखते हैं, फायर एस्टिंग्विशर्स यानी फायर को बुझाने वाले, एस्टिंग्विशर्स यानी बुझाने वाला, एस्टिंग्विश्ड यानी जो चीज बुझ गई है, ठीक है। चलिए, काम एस्टिंग्विश्ड, इसके अब्लेज के क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द होल क्रॉप वॉज सेट अब्लेज, पूरी की पूरी फसल थी उसमें आग लगी हुई थी, पूरी की पूरी फसल पर आग लग चुकी थी। तो सेट अब्लेज यानी फसल के लिए, जो क्रॉप के लिए क्या एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्रॉप कैसी थी? अब्लेज थी, जलती हुई थी। तो अब्लेज सबसे पहले याद रखना है इसका मीनिंग, और ये भी याद रखना है कि ये एक एडजेक्टिव है, राइट। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड। एक्सीड करना यानी किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, किसी चीज पर अपना एग्रीमेंट कर देना, किसी चीज की अनुमति दे देना इज एक्सीड, ठीक है। एक्सीड का मतलब किसी चीज को मान लेना। अच्छा, एक्सीड क्या है? एक वर्ब है, एक वर्ब है, राइट। अच्छा, तो इसका नाउन कैसे बना सकते हैं? इसका नाउन ऐसा बनेगा कि एक्सीडेंस, एक्सीडेंस, एक्सीड वर्ड आ गया और एन सी ई लग के बनेगा। एक्सीडेंस यानी किसी चीज पर मान लेना, अपना कह सकते हैं ना एग्रीमेंट दे देना इज एक्सीडेंस। एक्सीड करना यानी किसी चीज को मान लेना, वर्ब। एक्सीडेंस हो जाएगा हमारा क्या? नाउन। और ये है एक्सीड क्या है? हमारा वर्ब है। चलिए जी, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अपनी कंसेंट देना, राइट, किसी चीज पर अपनी एसेंट देना, दोनों ही वर्ड क्या है, किसके क्लोज सिनोनिम्स है? एक्सीड के। तो एक्सीड के सिनोनिम्स हो जाएंगे कंसेंट, एसेंट, एक्सेप्ट, ठीक है। ये सारे क्या है, इनका मतलब क्या होता है? किसी चीज को मान लेना या एक्सेप्ट कर लेना। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रिफ्यूज करना, किसी चीज पर सहमति नहीं देना, डिसएग्री करना, एग्री नहीं करना। चलिए जी, अच्छा, तो कॉन्सेंट का एग्री भी लिख सकती हूँ ना मैं, सिनोनिम, इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा एग्री। चलिए, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्यूज और डिसएग्री। रिफ्यूज करना यानी मना कर देना, डिसएग्री करना यानी एग्री नहीं करना, सहमति नहीं देना। एग्जाम्पल हो जाएगा, दे विल लाइटली एक्सीड टू हिज रिक्वेस्ट, ठीक है, वो जो इसकी रिक्वेस्ट है इस पर्सन की, उस पर मुश्किल ही, लाइटली मतलब बहुत ही कम क्या करेंगे, मानेंगे, मुझे तो नहीं लगता मानेंगे, ऐसा वो पर्सन कह रहा है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड है ये, जो लाइटली यूज करके क्या बताया है कि एक्सीड नहीं करेंगे,
कि मुश्किल ही करें यार, मुझे तो नहीं लगता कि वो उसकी बात मानेंगे, ये इस सेंटेंस का मतलब है। एक्सीड करना यानी माना, मानना, राइट। चलिए जी, तो एक्सीड का मतलब क्या है? मान लेना, और एक ये वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे कंप्लाइज। कंप्लाइज क्या होता है? कंप्लाइज का मतलब होता है फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर जो ये फ्रेंड है ना, ये किसी पॉजिटिव काम के लिए नहीं है, ये जो फ्रेंड है किसी गलत काम के लिए, नेगेटिव काम के लिए है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं अपराध का साथी, यानी किसी क्राइम में, किसी नेगेटिव चीज में, किसी नेगेटिव एक्ट में आपका सपोर्ट करने वाला, आपका साथ देने वाला वुड बी योर एकम्प्लाइज। ठीक है जी, तो एकम्प्लाइज मतलब अपराध का साथी। चलिए जी, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एसोसिएट। ठीक है, एसोसिएट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कामों में हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका कोई क्राइम में भी साथ दे रहा है तो भी हम एसोसिएट वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फेडरेट। कॉन्फेडरेट का भी मतलब यही होता है, दो पर्सन जब कॉन्फेडरेट करते हैं, यानी किसी गलत काम को अंजाम देने के लिए वो एक साथ जुड़े हैं। तो कॉन्फेडरेट करना यानी कुछ गलत काम करने के लिए साथ में आना, इस कॉन्फेडरेट। चलिए जी, है ना, तो एकम्प्लाइज क्या हो गया? किसी अपराध में, किसी नेगेटिव एक्ट में आपका साथ देने वाला वुड बी योर एकम्प्लाइज। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है जो आपको गलत काम करने से रोकने वाला। ठीक है, डिट्रैक्टर, ट्रैक्ट आपको हटाने वाला, डिट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, डिट्रैक्ट करने वाला यानी आपको कुछ काम करने से रोकने वाला वुड बी योर डिट्रैक्टर। तो ऑब्वियसली वो एकम्प्लिस का एकदम क्लोज एंटोनिम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ डिट्रैक्टर इसका एकम्प्लिस का क्या हो सकता है? ऑपोजिट हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड हिज एकम्प्लाइज। कि पुलिस ने किसको अरेस्ट किया? उसको और उसके अपराध के साथी को। दोनों ने मिलकर कोई क्राइम कर रहे थे तो उसको पकड़ लिया, और उसका जो एकम्प्लाइज है यानी उसका जो फ्रेंड था जो गलत काम में साथ में था, राइट। चलिए, तो एम्प्लाइज मतलब क्या होता है? अपराध का साथी। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड होता है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है योग्य या कंप्लीट कह सकते हैं आप इसको, सफिशिएंट वर्ड होगा। ठीक है, एडिक्वेट होना यानी किसी चीज के लिए कंप्लीट होना, सफिशिएंट होना, योग्य होना। ठीक है, जैसे आप कोई एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके लिए आप एडिक्वेट अगर हैं तो इसका मतलब है आपकी एजुकेशन, आपकी आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर वो सब, हाइट आपकी, आपकी नॉलेज उस एग्जाम के लिए क्या है? एडिक्वेट है, आप वो एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट यानी आप पूरे योग्य नहीं है, राइट। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कंप्लीट, इनफ, उसके अलावा सफिशिएंट। सफिशिएंट इसका एक क्लोज सिनोनिम हो जाएगा, सफिशिएंट। ठीक है, कंप्लीट, इनफ, सफिशिएंट, एडिक्वेट, इन सबका मतलब योग्य है, कंप्लीट हो जाएगा। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इनडिसेंट, यानी आप सूटेबल नहीं हो। ठीक है, चलिए एडिक्वेट का मैं सूटेबल भी लिख देती हूँ। ठीक है, सूटेबल भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। अनसूटेबल इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कैंट। अच्छा, स्कैंट का मतलब होता है कमी। ठीक है, एडिक्वेट मतलब कंप्लीट, जितना चाहिए उतना, सफिशिएंट, इनफ, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा स्कैंट। स्कैंट का मतलब होता है कमी होना किसी चीज, राइट। एग्जांपल देखते हैं कि रजत इज नॉट एडिक्वेट फॉर द टास्क। जो रजत है वो उस टास्क को करने के लिए एडिक्वेट नहीं है, योग्य नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। गॉट इट। तो एडिक्वेट का मतलब होता है योग्य होना या कंप्लीट, इनफ होना। नेक्स्ट वर्ड है डीफेस। डीफेस यानी किसी को बदनाम करना, अगर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो, या फिर किसी चीज को डीफेस करना यानी उसको खराब करना। अगर पर्सन की बात कर रहे हैं तो मतलब उसको बदनाम करना, उसकी बदनामी करना, उसकी रेपुटेशन खराब करना, उसकी गुडविल खराब करना। अगर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर खराब करना। किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं मतलब उसको पूरा पूरा तोड़ देना, डीफेस कर देना, पूरा खराब कर देना, राइट। तो डीफेस करना Obviously, ये क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है। सिनोनिम्स के हो जाएंगे वैंडलाइज करना। वैंडलाइज यानी रेपुटेशन खराब करना। सली, किसी को सली करना यानी उसकी प्योरिटी खराब करना, राइट। ओके देन, एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ब्यूटिफाई करना यानी उसको डेकोरेशन करना, अच्छे से उसको और सजाना, राइट। इम्प्रूव करना यानी उसको पहले से बेटर बनाना।
ठीक है, इट वुड बी इम्प्रूव, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो डी फेस करना, अच्छा फेस ले लीजिए, फेस मतलब चेहरा खराब करना, डी फेस खराब करना। तो चेहरा खराब करना, किसी चीज का अपीयरेंस खराब करना, किसी पर्सन का चेहरा खराब करना। तो पहले ना बहुत सालों पहले गाँव में क्या होता था, अगर कोई पर्सन क्राइम कर रहा है या कुछ गलत काम किया है तो उसको मुंह काला कर देते थे। तो वहां से आप ये बोल सकते हैं डीफेस करना, यानी किसी की बदनामी करना या किसी चीज को खराब करना। एग्जाम्पल देखते हैं, डीफेसिंग द नेशनल मॉन्यूमेंट्स इज अ पनिशेबल एक्ट। जो हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको कुछ लोग जाते हैं ना कि वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं, कह सकते हैं वहां पर बहुत ज्यादा गुटखा वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं, तो वो चीज बिल्कुल गलत है और वो पनिशेबल है, यानी उसकी सजा मिलती है, आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है और आपको जेल भी हो सकती है। तो ऐसा कभी भी मत करना, नेवर डीफेस एनी नेशनल मॉन्यूमेंट और एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट? ओके, तो डीफेसिंग मतलब खराब करना। चलिए जी, तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आपको इनमें कुछ ना कुछ नए वर्ड्स आपने देखे होंगे। अगर आपने मेन वर्ड नहीं तो आपने यहाँ पर कोई नया वर्ड देखा होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर देना। कॉमेंट सेक्शन में कोई भी आपको वर्ड नया दिखता है अपने आसपास, आपको लगता है ये वर्ड आज मैंने नया देखा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो अपलोड कीजिए, मैं पर्सनली उन्हें चेक करूंगी और उन वर्ड को मैं यूज करूंगी नेक्स्ट हमारे जो सेशन है उनमें, और उनको मैं और भी अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉमेंट बॉक्स है आपका, उसमें आप कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।